तो दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी माई वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, अपन ने क्या कर रखा है, जो राजस्थान GS और GK का जो पोर्शन है उसके लिए अपन ने कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस सीरीज़ का बेनिफिट उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी। तो राजस्थान ज्योग्राफी का ये पार्ट 31, इससे ऑलरेडी 30 पार्ट अपलोडेड हो चुके हैं राजस्थान ज्योग्राफी के। कुछ ही वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगी आपकी राजस्थान ज्योग्राफी, तो वो वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। राजस्थान GS GK फॉर JEE 2020 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख सकते हैं। और एक टेस्ट सीरीज़ की भी प्लेलिस्ट अपन ने चलाई है सीरीज, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन बात करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूं, अपन कौन सा टॉपिक पढ़े थे दोस्तों? दोस्तों अपन ने जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर अपना जो मृदा है, मृदा का टॉपिक कंप्लीट किया था। और फिर अपन स्टार्ट किया था अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे? आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र क्या होता है? वे नदियाँ जिनका उद्गम स्थल तो फिक्स होता है लेकिन उनका जो पहुँचने की जगह है, समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता, वो किसके अंडर आती है? आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर आती है। ठीक है, तो घग्गर नदी पड़ी, घग्गर नदी के बाद अपन ने कौन सी पड़ी? कांतली नदी पड़ी। ठीक है, अब कांतली के कौन सी सभ्यता के समीप थी? गणेश्वर सभ्यता के। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, काकने नदी। नेक्स्ट हेडिंग इज काकने नदी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ दोस्तों इसके दूसरे नाम की। तो दोस्तों इसका एक नाम से और जाना जाता है, इसको बोला जाता है मसरूदी नदी। व्हाट वी से? मसरूदी नदी। ठीक है, सबसे पहले इसके उद्गम स्थल की मैं बात करूं तो दोस्तों इसका इसका सिंबल का मतलब होता है उद्गम स्थल। ठीक है, कोटड़ी की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल माना जाता है, मतलब है कोटड़ी की पहाड़ियां जो कि है दोस्तों आपके जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी पहाड़ियां? कोटड़ी की पहाड़ियां हैं आपके जैसलमेर में। ठीक है, फिर ये जैसलमेर से होती हुई कहाँ तक आ जाती है? एक जगह है बुझ झील तक ये आती है। तो इसका उद्गम स्थल क्या है? कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से होते हुए कहाँ तक आती है दोस्तों? बुझ झील तक आती है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी काकने नदी की। और इसके बारे में और बात करूँ तो दोस्तों ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। कौन सी? आपकी काकने नदी। तो लिखिए राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? काकने नदी। एक तो ये बात हुई। ठीक है, फिर मैं बात करूं काकने नदी जैसलमेर में मीठे पानी की बुझ झील का निर्माण करती है। जो आपकी जो ये काकने नदी है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में जाकर ये एक मीठे पानी की झील का निर्माण करती है, जिसे क्या नाम है? बुझ झील। तो लिखिए इसमें काकने नदी जैसलमेर में मीठे पानी की बुझ झील का निर्माण करती है। तो यह बात हो गई दोस्तों आपके काकने नदी के बारे में। एक एक चीज, कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से इसका उद्गम है, जैसलमेर से होते हुए बुझ झील जैसलमेर तक आती है, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? कांकने नदी है। और कांकने नदी मीठे पानी की झील जो कि जैसलमेर में है, जिसका नाम है बुझ झील का
निर्माण करती है। तो इतना आप लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए साबी नदी। ठीक है, कौन सी नदी? साबी नदी। ये बनाइए मेरे साथ, सेवर की पहाड़ियां। सेवर की पहाड़ियां जो कि है आपके जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, सेवर की पहाड़ियां जयपुर से होते हुए दोस्तों ये नदी अपने पहुंचती है अलवर में। ठीक है, कहां से उद्गम स्थल है इसके? सेवर की पहाड़ियां जयपुर से, जयपुर से होते हुए कहां पहुंचती है? अलवर में। अब मैं बात करूं इसकी विशेषताओं की, तो दोस्तों साबी नदी के बारे में, राजस्थान की ये एकमात्र नदी है जो राजस्थान से हरियाणा तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अलवर से होते हुए फिर हरियाणा में एंटर करती है जब ज़्यादा बरसात होती है, यूजुअली अलवर तक पहुँच जाती है ना। तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो राजस्थान से हरियाणा जाती है वो कौन सी है आपकी? साबी नदी। ठीक है, और साबी नदी अलवर ज़िले की मुख्य नदी में आती है। जो मेन जो नदी है, मुख्य नदी, वो अलवर ज़िले की कौन सी है? साबी नदी। उस एक नदी में से आती है, किसकी? अलवर ज़िले की। तो लिख लीजिए, राजस्थान की एकमात्र नदी जो राजस्थान से हरियाणा जाती है और साबी नदी अलवर ज़िले की मुख्य नदी है। अलवर ज़िले की मुख्य नदी है कौन सी आपकी? साबी नदी। उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से अलवर, और एकमात्र जो हरियाणा तक जाती है और अलवर ज़िले की मुख्य नदी है। तो ये बात हो गई आपकी साबी नदी की। तो लिख लीजिए, आगे चलते हैं। तो ये बात हो गई किसकी? साबी नदी की। नेक्स्ट डालिए, नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे अपन, जो कि है रूपा रूपा रेल नदी। कौन सी नदी? रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी के और नाम आपको क्या क्या मिलते हैं? रूप नारायण, वरहा और लसावरी। क्या क्या नाम मिलते हैं? रूप नारायण, वरहा और लसावरी। ठीक है,
इसके उद्गम और इसके आगे की बात करते हैं। उद्गम है दोस्तों इसका उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से, उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से, अलवर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए दोस्तों यह अपने भरतपुर तक आती है, ठीक है। और इस नदी के समीप एक सभ्यता बसी हुई थी जिसका नाम है दोस्तों आपके नूह, नूह सभ्यता, जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आपके पड़ती है। कौन सी सभ्यता? नूह सभ्यता, ठीक है। और इसी नदी पे एक बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम है मोती झील बांध, ठीक है। तो तीन चार चीजें मैंने आपको बताई, उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से, अलवर से होती हुई कहां तक पहुंचती है ये भरतपुर में, भरतपुर के समीप इस नदी के समीप एक सभ्यता है नूह सभ्यता थी भरतपुर में डिस्ट्रिक्ट में, और इस नदी पे बांध बना हुआ है कौन सा? मोती झील बांध। तो ये तो बात हो गई इसके इसके बारे में। अब इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। बना लीजिए पहले, ठीक है। विशेषता में देखिए, अब कुछ नहीं है, विशेषता में जो चीज़ पढ़ी है वही है। तो विशेषता में क्या होगा, रूपा रेल जो नदी के किनारे भरतपुर में, कौन सी सभ्यता है दोस्तों? नूह सभ्यता की खोज की गई। और जो ये नूह सभ्यता है ये लोह युगीन है। कौन सी युगीन है? जैसे ताम्र युगीन है, कांस्य युगीन है, तो ये कौन सी है? नूह सभ्यता आपके लोह युगीन है, ठीक है। तो लिखिए इसमें, रूपा रेल नदी के किनारे भरतपुर में नूह सभ्यता की खोज की गई। और ब्रैकेट में लिख लीजिए कैसी सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको डायग्राम में बता दिए, लिखने की कोई इतनी है, मेरे को लगता नहीं है कोई नीड है। तो यहीं से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। मोती झील बांध भाई रूपा रेल पे है, भरतपुर अलवर से भरतपुर जाती है, उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम है, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी रूपा रेल नदी के बारे में। नेक्स्ट है अपनी रूपनगढ़ नदी। कौन सी है दोस्तों? रूपनगढ़ नदी, ठीक है। इसका देखिए, इसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो है आपका सलेमा बाद अजमेर डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से है इसका उद्गम स्थल? सलेमाबाद अजमेर डिस्ट्रिक्ट से, अजमेर से होती हुई दोस्तों ये पहुँचती है अपने जयपुर तक। कहाँ से कहाँ तक? जयपुर तक, ठीक है। और यहाँ पे एक जगह है सलेमाबाद में जो निम्बार्क संप्रदाय की, निम्बार्क संप्रदाय है अपन प्रमुख संप्रदाय और ये सब पढ़ेंगे, देवी देवता है वहाँ पे भी आपको मैं बताऊँगा, ये आपका कल्चर का पार्ट है। तो सलेमाबाद में एक निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो इधर ही है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइड में
सलेमाबाद, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ। तो इसका सबसे पहले मेरे को बताइए उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? सलेमाबाद अजमेर से, अजमेर से होती हुई जयपुर जा रही है। यहाँ पे इस नदी के किनारे एक सलेमाबाद जो जगह है जहाँ से निकल रही है, वहाँ निम्बार्क संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ है। ठीक है, तो यही चीज आप लिख लीजिए यहाँ पे। अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख सलेमाबाद स्थित है। तो यही इसकी एकमात्र विशेषता है, और जो उद्गम वगैरह है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो लिख लीजिए इतना। अब देखिए ये कंप्लीट हो गई अपनी कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी। अब नेक्स्ट है अपनी मंथा नदी। कौन सी नदी? मंथा नदी। ठीक है, तो मंथा नदी का और नाम अपन को क्या क्या मिलता है? मदा नदी और मेढ़ा नदी। कौन क्या क्या नाम है? मंथा नदी और मेढ़ा नदी। उद्गम की बात कर लेते हैं। इसका दोस्तों उद्गम है मनोहरपुरा की पहाड़ियां। और मनोहरपुरा जो जगह है दोस्तों वो अपने जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये मनोहरपुरा पहाड़ियाँ जयपुर डिस्ट्रिक्ट से होके जयपुर डिस्ट्रिक्ट तक ही रहती है। और ये देख बना लीजिए। ठीक है, तो मदा नदी और मेढ़ा नदी इसका और नाम है। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ से इसका उद्गम होता है, और ये कहाँ तक आती है दोस्तों? जयपुर में आती है। ठीक है, तो ये थी अपनी मंथा नदी। बस इसमें इतनी ही चीज है। ठीक है, आई होप बन गया होगा आपका। अब देखिए ये अपना कंप्लीट हो गया है। कुछ आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं उसके अंदर जो कुछ टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए अपन सांभर झील के बारे में बात करेंगे। अब इधर देखिए आप, ये अपनी सांभर झील है। सांभर झील सब जानते हैं कि खारे पानी की झील है, यहाँ से नमक का उत्पादन होता है। राजस्थान की काफ़ी इंपॉर्टेंट झीलों में से एक झील है सांभर झील। तो अब जो अपन ने अलग अलग नदियाँ पढ़ी हैं और भी जो कुछ नदियाँ नहीं भी पढ़ी है, अब देखिए जाइए इसमें कैसे कैसे नदियाँ मिलती है, कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, कहाँ कहाँ से मिलती है। एक नदी ये आपके इधर से आती है, एक नदी
एक इधर से आ रही है, एक इधर से, एक इधर से। ये तो नदियाँ कहाँ से मिल रही है इसमें? उत्तर से, मतलब नॉर्थ से जो नदियाँ मिल रही है, चार नदियाँ हैं और एक नदी ये यहाँ से साउथ से भी मिलती है। तो मैं लिख दूँ ये कहाँ से मिल रही है, उत्तर से, और ये कहाँ से मिल रही है दोस्तों, दक्षिण से। तो ये जो पहली नदी है ये है खंडेला। कौन सी नदी है? खंडेला। यह नदी है आपकी खारी नदी, यह भी पड़ी मंथा नदी, और यह नदी है ढूंढ। कौन सी नदी? ढूंढ नदी। और जो नीचे से मिलती है वो अपनी जो रूपनगढ़ वाली पड़ी थी ना अपन ने, जो सलेमाबाद जयपुर में मिलती है, तो वो है रूपनगढ़ नदी। तो इस तरीके से नदियों का मिलन होता है, पांच नदियां इसमें आके मिलती है। तो अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर से मिलने वाली नदियों का सही क्रम तो कौन कौन सी है, खंडेला, खारी, मंथा, ढूंढ, मतलब सही क्रम का मतलब ये मिलती है। अगर उत्तर में कहीं गलती से नाम रूपनगढ़ का दे दिया तो वहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा ना। तो रूपनगढ़ कहाँ से मिलती है? अपने दक्षिण के ओर से मिलती है। और ये चार कहाँ से मिलती है तो आपको याद रखना कि दक्षिण से सिर्फ एकमात्र मिलती है रूपनगढ़, और उत्तर से मिलती है खंडेला, खारी, मंथा और ढूंढ, ठीक है। और ढूंढ की अगर मैं बात करूँ तो सांभर झील में जो सर्वाधिक लवणता है, लवणता मीन्स जो खारा है, खारापन है, जो नमक की मात्रा है, वो कौन सी नदी लाती है? वो ढूंढ नदी लाती है। तो लिखिए इसमें सांभर झील में सर्वाधिक लवणता लाती है। कौन सी नदी लाती है? ढूंढ नदी लाती है। तो ये बात हो गई किसकी? सांभर झील। समझ में आया सांभर झील कैसे कैसे कहाँ कहाँ से नदी आती है? अब मेरे को एक बात बताइए, जो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह है, आंतरिक प्रवाह क्या मतलब था कि जिनका उद्गम स्थल फिक्स है लेकिन जो समाप्ति स्थल है वो फिक्स नहीं है, तो क्या मैं उसको उसका सर्वश्रेष्ठ मतलब एक अच्छा उदाहरण मैं मान सकता हूँ सांभर झील को? क्योंकि इसमें जितनी भी नदियाँ मिल रही है, रूपनगढ़ है, मेंथा है या खंडेला है, जो भी है, वो सारी नदियाँ कहाँ से है? एक प्रकार के आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। तो ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें राजस्थान में आंतरिक प्रवाह का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सांभर झील को माना जाता है। क्यों माना जाता है? अब ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और ये सांभर झीलने वाली नदियों का है तो यहाँ पर लिख लीजिए सांभर झील में मिलने वाली नदियाँ का क्रम है ना ये, खंडेला, खारी, मंथा, ढूंढ, रूपनगढ़, उत्तर से ये, दक्षिण से ये, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों अपने सांभर झील की। तो लिख लीजिए और अपना ये वाला टॉपिक जो था वो कंप्लीट भी हो गया है, ठीक है। जो आंतरिक प्रवाह का था वो अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपने लिख लिया होगा। तो अपना ये वाला जो आंतरिक प्रवाह का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट है। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप अरब सागरीय नदी तंत्र। कौन सा? अरब सागरीय नदी तंत्र।
तो अब मैं बात करता हूँ अरब सागर नदी तंत्र के बारे में, जो जो नदियाँ आएंगी उनके बारे में अपन एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये होता क्या है। तो वे नदियाँ, सुनिएगा ध्यान से, वे नदियाँ जो अपना जल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर में ले जाती है, वे नदियाँ किसके अंडर आ जाएगी? अरब सागरीय नदी तंत्र के अंदर। तो लिखिए अरब सागर इधर वाला है ना, जो अपना ओशियन है ना, वे नदियाँ जो अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर में ले जाती हैं। वह नदियां कौन सी है आपकी? अरब सागर नदी तंत्र के अंडर आ जाएगी आपकी वे नदियां। अब मैं बात करता हूं, देखिए आपने दो टर्म सुने होंगे, डेल्टा, डेल्टा तो आई होप आप सबने सुना होगा, और एक टर्म होता है एस्चुरी, है ना, एस्चुरी या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं ज्वारनद मुख, है ना। तो मैं बात करूं अरब सागरीय नदियां आपके डेल्टा ना बना के क्या बनाती है? ज्वारनद मुख, या फिर उसको मैं बोलूं एस्चुरी का निर्माण करती है। अब बात आती है डेल्टा, तो आप सबको पता है डेल्टा कैसा होता है, कोई भी नदी इस तरीके से का जो फॉर्मेशन बनाती है जब वो समुद्र में मिलती है तो वो क्या कहलाता है? डेल्टा, ठीक है। और एस्चुरी के अंदर क्या होता है, वो डेल्टा ना फॉर्म करके जब नदियाँ मतलब समुद्र में मिलने वाली होती है तो वो क्या करती हैं कि छोटी छोटी इस तरीके की नालियाँ बनाती है, छोटी या फिर बड़ी, है ना, मतलब एक नाली के फॉर्म में जाती है, डायरेक्ट मिल जाती है ना इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं अपन एस्चुरी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब डेल्टा के अंदर, डेल्टा के थ्रू जब नदियाँ मिलती है पान समुद्र के अंदर, तो जो यहाँ पे फ्लो होता है ना दोस्तों, वो फ्लो मतलब उनका जो बहाव होता है बहुत धीमा होता है, धीमा होता है, मतलब धीरे धीरे करके पानी जा रहा होता है, इसलिए किसका फॉर्मेशन हो जाता है? डेल्टा का। लेकिन मैं बात करूँ एस्चुरी की, तो एस्चुरी के अंदर क्या होता है, जो फ्लो होता है वो डेल्टा फॉर्म होने ही नहीं देता, क्योंकि फ्लो जो होता है यहाँ पे वो बहुत हाई होता है, बहुत तेज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा ना फॉर्म होकर सीधा पानी एक नालियों के फॉर्म में चल जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ज्वारनद मुख, या फिर एस्चुरी का निर्माण करती है। तो बात समझ में आई क्या होता है ज्वारनद मुख और एस्चुरी? ठीक है, तो लिखिए, तो ये जो अरब सागरीय नदी तंत्र है वो डेल्टा का फॉर्मेशन ना करके आपका किसका करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। और आपने देखा होगा जो बंगाल साइड की नदियाँ, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो सारी की सारी नदियाँ आपका किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। लिखिए, अरब सागरीय नदियाँ ज्वारनद मुख, या फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए आप एस्चुरी, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये बात हुई। फिर मैं बात करूं राजस्थान में जो कुल अपवाह है, कुल अपवाह क्षेत्र का कितना परसेंट अरब सागरीय नदी तंत्र का है? तो दोस्तों वो अरब सागरीय नदी तंत्र का 16% अरब सागरीय नदी तंत्र का अपवाह क्षेत्र, तो लिख लीजिए ये पॉइंट भी, 16% है राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का 16% अरब सागरीय नदी तंत्र का अपवाह क्षेत्र है। कितना है दोस्तों? 16% है। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए।
फिर अरब सागरीय नदी तंत्र की प्रमुख नदियों के बारे में बात कर लेंगे। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, अरब सागरीय नदी तंत्र की प्रमुख नदियां, तो दोस्तों इसकी चार प्रमुख नदियां हैं, चार, लूनी नदी, पश्चिमी बनास नदी, साबरमती नदी और माही नदी। उसके अंडर और भी नदियां आती है, वो भी बात करते हैं अभी। लूनी नदी, पश्चिमी बनास नदी, साबरमती नदी और माही नदी। कौन कौन सी नदियां हैं? लूनी नदी, पश्चिमी बनास नदी, साबरमती नदी और माही नदी। ठीक है, तो लूनी नदी के अंदर मैं सबसे पहले मैं बात करूं तो कुछ नदियों से बनकर ये आती है, इसमें गिरती है, तो कौन कौन सी है वो? लीलणी, मीठड़ी, बांडी, जोजरी, सूकड़ी, जवाई और सागी। लीलणी, मीठड़ी, बांडी, जोजरी, सूकड़ी, जवाई और सागी। ठीक है, ये तो हो गई किसकी? लूनी नदी की। पश्चिमी बनास में मात्र करूं तो एकमात्र है सीपू नदी। कौन सी? सीपू। साबरमती की बात करते हैं, हथमती, सेई, वेत्रक, मानसी और वाकल। कौन कौन सी है? हतमती, सी, वेत्रक, मानसी और वाकल। फिर मैं बात करता हूं माही नदी की, सोम, जाखम, लाखन, चाप, अनास और एराव। कौन कौन सी है? सोम, जाखम, लाखन, चाप, अनास और एराव। ठीक है, तो दोस्तों ये नदियां हैं अपनी माही नदी के और इन चारों नदियों के बारे में, तो लिख लीजिए इतना। तो दोस्तों
आज की वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, ये बाकी के एक टॉपिक थोड़े थोड़े बड़े हैं तो आज वाले वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और जितना भी हो सके शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हो इस सीरीज़ का बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।